अगर आप किसी अपने की शादी के लिए मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए दुल्हन की तलाश कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप एक ही पल में ऐसी साजिश का शिकार हो जाएं जो आपसे आपका सब कुछ छीन ले। नाम मेधा भार्गव, पहचान सबसे बड़ी लुटेरी दुल्हन, अपराध 15 लड़कों से शादी कर करोड़ों लेकर फरार, जुर्म की जिस सच्ची और होश उड़ा देने वाली वारदात से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद आपका शायद हुस्न और इश्क से विश्वास उठ जाए। प्यार और शादी के रिश्ते को लेकर जो लोग इसे खुदा की इबादत समझते हैं उनका विश्वास कहीं डगमगा ना जाए। शादी के साथ पैरों को जो लोग सात जन्मों का बंधन समझते हैं कहीं उनके पैरों तले जमीन न खिसक जाए। इश्क, फरेब, लालच, गहरी साजिश और दिल तोड़ देने वाली ठगी की ये वो वारदात है जो कहीं आपको जोर का झटका न दे। इस वारदात में दुल्हन ने न सिर्फ दूल्हे के दिल को शिकार बनाया बल्कि उन परिवारों का भी सब कुछ लूट लिया जो इनके जीवन भर की कमाई थी। शादी के नाम पर सपनों की ठगी की ये ऐसी वारदात है जो भुलाए न भुले और दूल्हे के दिल में जलती ये वो आग है जो बुझाए न बुझे। शादी हर किसी का सपना होता है और ये जीवन के सबसे बड़े सपनों में से एक होता है, क्योंकि ये साथ जीवन भर का होता है। ये किसी अनजान से वो रिश्ता होता है जो जीवन भर का साथ बन जाता है। लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें शादी परेब का वो फंदा निकला जिसने 15 परिवारों को बर्बाद कर दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे ये शातिर लुटेरी दुल्हन पुलिस की गिरफ्त में आई, कैसे नोएडा में अपने नए शिकार की तलाश में थी, इसने कैसे दूल्हों को अपने जाल में फंसाया। देखिए इस रिपोर्ट में। रंगोरा, लंबाई 5 फीट 2 इंच, MBA पास, परिवार पढ़ा लिखा, सबसे बड़ी लुटेरी दुल्हन ने यही प्रोफाइल अपने मैट्रिमोनियल साइट्स में बनाया था। जहां से ये देशभर के उन दौलतमंद लोगों को फांसती थी जिन्हें ये आसानी से अपने जाल में फंसा ले और उनकी दौलत पर हाथ साफ कर सके। दिव्यांग और तलाकशुदा लड़कों की शादी के लिए ये लड़की एक लॉटरी की तरह सामने आती थी। मेघा भार्गव ने देश भर में एक दो नहीं बल्कि 15 दिव्यांग और तलाकशुदा लड़कों को ठगा है। सबसे बड़ी इस लुटेरी दुल्हन को सर्विलांस की मदद से नोएडा सेक्टर 120 के आम्रपाली जोडियक सोसाइटी में फ्लैट नंबर 1104 से गिरफ्तार किया गया है। ये यहाँ अपनी बहन प्राची भार्गव और जीजा देवेंद्र शर्मा के साथ रह रही थी। तीन लोग मिलकर ठगी के इस धंधे को चलाते थे। तीनों को सूरजपुर कोर्ट में पेश किया गया जहां से इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर केरल ले जाया गया। ये लोग मूल रूप से ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और केरल में लाखों रुपए की ठगी के मामले में वहां की पुलिस इन्हें तलाश रही थी। इनकी लोकेशन मिलने पर केरल पुलिस एक हफ्ते से नोएडा में डेरा डाले हुए थी। मेरे को कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ पे कोई आया भी है इतने दिनों से, क्योंकि आई थिंक इसके बाद से, नवरात्रों के बाद से यहाँ पे जितने भी लोग थे सब मेरे पर्सनल टच में थे, जितने भी लोग थे और सारी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, सबको अपना अपना घर मिल गया, सब लोग शिफ्ट कर गए। हाँ, ग्रुप पे वो नॉर्मली जो आज न्यूज़पेपर में आया था उसके बेसिस पे कि 11th फ्लोर पे कोई था यहाँ पे। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि ये गैंग अब तक 15 परिवारों को चूना लगा चुका है।
केरल, मुंबई, पुणे, राजस्थान, इंदौर में इन्होंने वारदातों को अंजाम दिया है और करीब डेढ़ महीने पहले ही आरोपियों ने नोएडा में किराए का फ्लैट लिया था। 25 साल की मेधा भार्गव ने पिछले 3 सालों में 15 शादियां की हैं। शादी के एक हफ्ते के अंदर ही ससुराल वालों को खाने में नींद की गोली देकर वो घर से ज्वेलरी और नकदी समेट कर भाग जाती थी। ये इस तरह अब तक करोड़ों ठग चुकी है। मेघा ने आखिरी शादी त्रिवेंद्रम केरल के रहने वाले लॉरेन जोस्टिस से की थी। शादी के बाद करीब 15 लाख का माल समेट कर वो फरार हो गई थी, जिसकी जांच केरल पुलिस कर रही थी। ये केरल की कोची सिटी के पुलिस के लोग आए हैं। वहाँ एक चीटिंग का मुकदमा पंजीकृत हुआ है एक महिला और उसके कुछ सहयोगियों के खिलाफ, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि वहाँ उस महिला ने 11 लोगों से शादी करके उनको चीट करके चली आई है, जिसमें उसका पति और उसके कुछ रिलेटिव इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आज केरला पुलिस ने उनको आके फेज 3 थाने में क्षेत्र में जहाँ रह रहे थे उनको गिरफ्तार किया है और ट्रांजिट रिमांड के लिए वो माननीय न्यायालय गए हुए। आखिर कैसे इन्होंने बनाई पैसा कमाने की योजना? कैसे होती थी शादी? कैसे ये दूल्हे के परिवारों को अपने जाल में फंसाते थे? यकीन मानिए, ये जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्राइम डेस्क, इंडिया 24/7।